तो भाई ये जो मस्जिद है ना, मस्जिद उल जामा मस्जिद, इसी के अंदर जो है मोहम्मद रफी साहब का जो है ग्रेव है, जो हम देखने के लिए जा रहे हैं। ये जो कबर देख रहे हैं ना, ये आमिर खान के पापा की है। ये जो कबर देख रहे हैं ना, ये मोहम्मद रफी साहब की कबर है। ये जो आप कबर देख रहे हैं ना, ये यूसुफ साहब की है, यानी दिलीप कुमार साहब की है। ये है इरफान भाई की ग्रेव, देखो नाम पढ़ लेते हैं। हाँ ये है लेट वाजिद अली खान। एजाज खान अपनी माँ से कितने प्यार करते थे, ये मरहूम जोहरा बीबी। ये जो कबर है ना, ये जिया खान की है। ये जो देख रहे हैं ना, ये है मधुबाला की। ये देखिए कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन एक नया सफर। तो मैं हूँ इससे मुंबई में, और आज जो वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं ना, वो इस जुहू बीच से कर रहे हैं। और आज जो हम देखने वाले हैं ना, वो जगह देखने वाले हैं कि जहाँ पर इस दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी, चाहे वो मोहम्मद रफ़ी साहब हो, चाहे वो इरफान खान हो, चाहे और भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी, किस तरीके से इस देश में इस दुनिया में नाम रोशन किया और उसके बाद फना हो गए। वो कहते हैं ना, इस ज़मीन ने बड़े बड़े बादशाहों को, बड़े बड़े लोगों को जो है निगल लिया है। तो आज जो है, आज हम जो जा रहे हैं वो ऐसी जगह पर जा रहे हैं, यानी उनकी जो कब्र है उनको हम दिखाने वाले हैं। और ये जो बीच है ना, ये जुहू बीच है। और मैं जब यहाँ आया था तो रात भी आया था, यहाँ का नज़ारा ना बहुत अलग होता है। जब मुंबई में लोग आते हैं, बताते हैं 3000 लोग डेली जो है वो हीरो और हीरोइन बनने के लिए आते हैं। तो जब उनका स्ट्रगल पीरियड होता है ना, वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। और अभी भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे यहाँ पर। अभी मैं इस समय 1 बज रहे हैं और पानी जो है काफ़ी यहाँ तक पहुँच चुका है, देखो। और ये पानी रात को यहाँ तक आ जाता है और बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है देखने लायक। तो मैं अभी जो जा रहा हूँ, वो जा रहा हूँ जुहू बीच से मोहम्मद रफ़ी साहब की कब्र देखने के लिए। तो मैं यहाँ का एक सिनेमैटिक सीन दिखाता हूँ, उसके बाद ब्लॉग हम शुरू करते हैं। देखो भैया, जुहू चौपाटी का ना अपना एक अलग आनंद है। 100 से ज्यादा यहाँ पर जो है पाव भाजी की शॉप मिलेंगी। और आप कंफ्यूज रहोगे कहाँ से खाएं भाई, किसी के गोलगप्पे अच्छे लग रहे होंगे, किसी की पाव भाजी, किसी की चटनी, 100 से ज़्यादा। लेकिन यहाँ का जो शाम का नज़ारा होता है ना, बहुत ज़बरदस्त होता है। तो एक्चुअल में ये जो हम टूर करने वाले हैं ना, ये हम बाइक से करने वाले हैं। तो ये यहीं के मेरे एक फ्रेंड है, मैंने उनको बुलाया है, इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगा हुआ है, और यहीं पर मेरे वो दोस्त आए हुए हैं जिससे हम बाइक से चलने वाले। तो भाई, जुहू बीच के जस्ट सामने हमारे ये दोस्त आ चुके हैं वसीम भाई, ये हमारी बाइक से टूर कराएंगे। कैसे वसीम भाई? बढ़िया। चले फिर, तो पहले कहाँ जा रहे हैं हम? मोहम्मद रफी साहब की कब्र पे। चलो चलो चलो। तो मेरे सामने जो देख रहे हैं ना, ये गौरी खान का बुटीक है। देखो गौरी खान डिजाइन सामने आप देख सकते हो। तो ये ना दूहू तारा रोड पे है गौरी खान डिजाइन, ये देखो। तो भाई फाइनली हम ना डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। ये जो जगह है ना, ये है मस्जिद उल जामा मस्जिद, और ये सेंटा क्रूज पे है। और इसी के सामने वो पार्क है जहाँ पर वो प्लेन वाला पार्क है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। बट ये जगह देखो, आ चुके हैं हम मस्जिद पे। तो भाई ये जो मस्जिद है ना, मस्जिद उल जामा मस्जिद, इसी के अंदर जो है मोहम्मद रफी साहब का जो है ग्रेव है, जो हम देखने के लिए जा रहे हैं। और यहीं से वो जो है कब्रिस्तान है जहाँ पर हम जाने वाले हैं। ये देखिए, ये जो पूरा कब्रिस्तान देख रहे हैं ना, ये मस्जिद के पास ही है। और इधर आप झोपड़पट्टी देख रहे होंगे, ये देखिए। तो भाई ये यहाँ का ना बहुत बड़ा और फेमस कब्रिस्तान है, और यहाँ पर बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटी है ना, सबके सब यहाँ पर जो है दफन है। तो मैं एक एक करके आपको जो है सबकी जो है कब्र है वो दिखाने वाला हूँ, आओ। तो सबसे पहले जो मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, वो मोहम्मद रफ़ी साहब की दिखाने वाला हूँ। और देखो, ये आप समझ पाओगे कि किस तरीके से एक इंसान का दौर होता है। मोहम्मद रफ़ी जो कि दुनिया के सबसे बड़े सिंगर, तुम मुझे यूँ भूला ना पाओगे, हाँ, ये उन्हीं का गाना था। और बताते हैं कि जब वो ख़त्म हुए थे तो उस समय हज़ारों में भीड़ थी, हज़ारों में नहीं, लोग कहते हैं लाखों में भीड़ थी। आज वो मैं कब्र दिखाने वाला हूँ, आओ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले से ना काफ़ी चेंजिंग आई, क्योंकि इनकी जब कब्र थी ना, तो यहाँ पर पक्की कब्र थी,
बट आज जो है वो उसको फिर बाद में जो है तोड़ करके जो है कच्ची कब्र बनाई गई है। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे ना बहुत सारी कब्र है और अलग अलग सेलिब्रिटी की है, बट ये जो कब्र दिख रहा है ना, ये मोहम्मद रफी साहब की कब्र है। और सोचिए कि जब आप सिंगिंग का, ये गाने का अगर नाम ध्यान में आता है ना, तो एक ही शख्सियत का नाम आता है, वो है मोहम्मद रफ़ी, यानी गॉड फादर ऑफ सॉन्ग, गाने की दुनिया का कोई बादशाह तो मोहम्मद रफ़ी साहब उनका ये है। और आप देख सकते हो ये पहले कभी पक्की हुआ करती थी, बट आज ये कच्ची है। और यहाँ पर बहुत भीड़ हुआ करती थी क्योंकि उस समय ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था। तो यहाँ पर ये देखोगे, यहाँ पर माला रखी हुई है, एक पेड़ लगा दिया है, और यहाँ पर ये रखी हुई है चिन्हित करने के लिए, लोग आते हैं इसको पानी देते हैं। तो ये तो मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, बट इससे पहले मैंने यहाँ पर खड़े होकर जो है कहते हैं ना कि जो आपको पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं, वो मैंने पढ़ी थी। तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, आपको भी जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। वो आपने सुना होगा ना कि एक दिन सिर्फ इंसान का नाम रह जाता है, सोचिए मोहम्मद रफ़ी, और आज यहाँ इस पूरे शमशान यहाँ पर तो कब्रिस्तान में सिर्फ मैं हूँ और एक मेरे भाई हैं जो ये वीडियो शूट कर रहे हैं, कोई भी नहीं। ये हम सबको इस दुनिया से जाना है, मौत एक ऐसी चीज़ है, हर इंसान को स्वाद चखना है मौत का। तो ये जो आप देख रहे थे एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी यानी मोहम्मद रफ़ी साहब की कब्र देख रहे थे। अब मैं दूसरी दिखाता हूँ आपको, आइए। तो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको दूसरी कब्र। ये जो कब्र है ना, ये जिया खान की है, ये जो देख रहे हो इस पे बड़ा सा पौधा लगा हुआ है। तो ये पहले कुछ साल पहले तक ना यहाँ पर पक्की कब्रें हुआ करती थी, बट सारी आज कच्ची हैं। जिया खान, शायद आपने गजनी मूवी में देखा होगा, जिन्होंने शायद सुसाइड कर लिया था, तो ये इनकी कब्र है जिया खान की। यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं ये देखो। और अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको तीसरी कब्र। तो अब मैं जो तीसरी कब्र दिखाने वाला हूँ ना, वो दिखाने वाला हूँ मधुवाला की, क्योंकि ये कब्रिस्तान में जितनी भी बड़ी बड़ी शख्सियत हैं सबका यहाँ पर जो है कब्र है। पता है पहले क्या होता था कि यहाँ पर नाम लिखे हुए गए थे, बकायदा पक्की थी, अब पहचान नहीं कर सकते। गूगल में जब भी देखोगे ना तो सामने वाले घर दिखाई देंगे आपको ये, और पेड़ दिखाई देंगे, कभी भी देख सकते हो। बट मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा यहाँ ना सावधानी से चलना होता है। ये जो देख रहे हैं ना, ये है मधुबाला की, ये देखिए, ये सब बाद में, क्योंकि देखो पहचान जो है ना, ये रखा हुआ है, ये देखो ये पहचान है। और इसकी बड़ी पहचान जस्ट सामने देख सकते हो, या फिर इधर जो है ये घर देख सकते हो, ये जो है मधुबाला की है, ये देख सकते हो। ये सब अपने टाइम के सबसे बेहतरीन कलाकार, ब्लैक एंड वाइट जब शो आता था उस समय, कलर तो नहीं था, तो उस समय के ये बेतहाज बादशाह रानी कह सकते हो उस दौर के। अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखाने वाला हूँ। तो ये जो कब्रिस्तान दिख रहे हैं ना, यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं मुंबई के अंदर, वो यहाँ पर जो है दफन है। अब मैं जो दिखाने वाला हूँ ना आपको, अभी जब दिखाया मैंने जिया खान दिखा दिया आपको, और मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब दिखाए, मधुबाला दिखाई, अब मैं जो दिखाने वाला हूँ ना आपको, वो दिखाने वाला हूँ दिलीप कुमार साहब यानी मोहम्मद यूसुफ साहब। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनके जीरो हेटर, चाहे उन्हें हिंदुस्तान से ही प्यार मिला, पाकिस्तान से ही प्यार मिला, और वो दिलीप कुमार के नाम से फेमस हुए, बट उनका एक्चुअल में जो नाम था वो यूसुफ था। अब मैं उन्हीं की आपको जो है कब्र दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर एक और कब्र खुद रही है, ज़्यादातर इसमें जो है सेलिब्रिटी लोग ही रहते हैं, यानी रहते नहीं, मतलब ये है यहाँ पर दफन है। तो ये जो आप कब्र देख रहे हैं ना, ये वाली पीली वाली जिस पे ये पेड़ लगे हुए हैं, ये दिलीप कुमार साहब की यानी यूसुफ जी की है, ये देखो, और यहीं पर जो है वो उन्हें दफन किया गया। तो ये आप देख सकते हो, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी यूसुफ साहब, उनकी कब्र है, ये देखिए पीली वाली, यहाँ पर बहुत सारी हैं, बट ये पीली वाली जो देख रहे हैं ये यूसुफ साहब की है, ये देखिए इस पर पेड़ लगा हुआ है, मोहम्मद यूसुफ साहब की यहाँ पर जो है दफन किया गया। और यूसुफ साहब की बराबर में ही जो देख रहे हैं ना, ये आमिर खान के पापा की है, शायद इनका नाम ताहिर था, ये उन्हीं के फादर की है, ये वाली देखो इसमें ये लगा हुआ है। यहाँ पर कुल मिलाकर जितने भी टॉप सेलिब्रिटी हैं उनका यहाँ पर कब्र है। बहुत सारे लोग हमें नाम भी याद नहीं आ रहे, लेकिन दिलीप कुमार साहब की दिखाई हमने, मोहम्मद रफ़ी साहब की दिखाई आपको, परवीन बाबी की दिखाई आपको, मधुबाला की दिखाई, आमिर खान के फादर की दिखाई आपको, जिया खान की दिखाई, कोई नौशाद है उनकी भी दिखाई, आई थिंक मेरे साथ बाजिद खान की भी यहाँ है नहीं, वो दूसरी जगह पर है। तो भाई अभी हम मस्जिद से आ गए हैं, और अगर आपको आना हो तो मस्जिद उल जामा मुस्लिम मस्जिद सेंटा क्रूज वेस्ट, इसी के अंदर जितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी की मैंने आपको कब्र दिखाई। अभी जो हम जा रहे हैं ना, वो जा रहे हैं इरफान खान की, और जो आपको पता होगा वाजिद और साजिद भाई थे ना, उनमें से एक भाई की जो डेथ हो गई थी,
उनकी कबर पे जा रहे हैं, वो बरसगुआ में है। और इसकी पहचान ये है कि सामने जो आप देख रहे हो ना पार्क सा है, इसके अंदर एरोप्लेन है। देखो ये इसकी पहचान है। ये जो पार्क देख रहे हैं ना, ये है नाना नानी पार्क। क्या शानदार नज़ारा है यार, मुंबई के अंदर खुली जगह, बहुत ही प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है। और सामने है दादा भाई निरोजी बाग। तो भाई ये जो देख रहे हैं ना, यही बरसोबा का कब्रिस्तान है जहां हम जाने वाले हैं। ये देखिए सिग्नल के पास ही है, यहां से इसकी एंट्री है और इसी के अंदर जो हम चलने वाले हैं, यहां से इसकी एंट्री है। तो मैं एक चीज़ दिखाऊँ, इधर कब्रिस्तान है बरसोबा के और इधर जो है शमशान घाट है। देखो बरसोबा हिंदू शमशान भूमि और ये कब्रिस्तान है, और इधर ही जो है एजाज भाई का घर है इधर, लेकिन इस समय तो मुलाकात उनसे हो नहीं सकती। और यहाँ उनकी माँ भी जो है दफन है। अब इसी के अंदर चल रहे हैं हम। यहाँ भी कब्रिस्तान में क्या है कि यहाँ पर पक्की कब्र बनी हुई है और साथ में यहाँ पर नेम प्लेट लिखी हुई है, क्योंकि ये बरसोबा मुस्लिम उस ट्रस्ट के अंदर आती है, ये ट्रस्ट संभालती है इस कब्रिस्तान को। और यहाँ पर एक नियम और ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ आपके किसी रिश्तेदार की कब्र है और आप अपनी कब्र लेकर आओगे, तो पहले आपको सबूत देना पड़ेगा, तहरीर देनी पड़ेगी। जब उसकी कब्र बराबर में, उसी कब्र की बराबर में कब्र खुदेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जितने भी हैं नाम लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर जो है इरफान खान की भी है और एक कब्र और है, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर ना पक्की कब्र है और यहाँ पर जो एजाज खान है ना, उनकी माँ की भी कब्र यहाँ पर ही है। देखो सब कुछ नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, पक्की कब्र है पूरी की पूरी। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, ये पूरी पक्की कब्र है यहाँ भी। क्योंकि यहाँ मैं जब लास्ट टाइम आया था ना, तो जब आया था, जब मैं एजाज खान के घर आया था, देखो सामने वाली जगह है, वहाँ पर ना नमाज पढ़ाई जाती है जनाजे की, वो देखो लिखा हुआ है सामने। तो अभी हम जा रहे हैं आपको कब्र दिखाने के लिए। यहाँ पे क्या है, कब्रों पर ना एक नंबर लिखा हुआ है, तो बहुत आसानी हो जाएगी। गूगल पे भी आप सर्च कर लोगे ना, तो आपको उस कब्र का नंबर मिल जाएगा। जैसे देखो 172 है, 171 है, 173 है, इसी तरीके से यहाँ पर ना आपको नंबर मिल जाएगा, आसानी होगी आने के लिए। तो भाई हमें इरफान भाई की कब्र मिल गई है और यहाँ पर ना ब्लॉक है, तो ये आई ब्लॉक है, आई के बाद जे ब्लॉक है। और जे ब्लॉक में आप देखोगे ये है इरफान भाई की ग्रेव। देखो 29 अप्रैल 2020 लेट साहबजादे इरफान अली खान, ये आप इनकी ग्रेव देख सकते हो। और मैं करीब से दिखाता हूँ अभी आपको नीचे जा करके। तो यहाँ पर देखो अभी पानी दिया गया है और फूल लग रहे हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हो। लेट साहबजादे इरफान अली खान 29 अप्रैल 2020 और 54 यानी आई ब्लॉक, या आई ब्लॉक है जबकि अब जे ब्लॉक हो गया, क्योंकि आई इतना अदर कर दिया। देखो ये है 54 नंबर आई ब्लॉक, और ये पौधे लगे हुए यहाँ पर, कोई ना पानी दे जाता है, यहाँ पर साफ सफाई चलती रहती है। देखो सुबह ही पानी दिया गया यहाँ पर, ये देखो। तो ये इरफान भाई की आप जो है कब्र दिख रहे हैं। तो ये जो देख रहे थे ना, ये इरफान भाई की कब्र है, इसका नंबर है जे ब्लॉक, क्योंकि जे ब्लॉक है ये, और 54। गूगल पर आई ब्लॉक लिखा होगा लेकिन जे ब्लॉक 54 नंबर है। और ये लेट साहबजादे इरफान अली खान 29 अप्रैल 2020, ये आपने कब्र देख ली इनकी। तो भाई इधर थी इरफान भाई की कब्र, अभी जो हम जा रहे हैं ना वो बाजिद भाई की कब्र देखने के लिए जा रहे हैं, यानी जो साजिद भाई के भाई हैं, बाजिद भाई उनकी। तो यहाँ क्या होता ज़्यादातर मुंबई में जो कब्रिस्तान होते हैं ना, वो जो ब्लॉक बनते हैं वो नेम के से होते हैं, जैसे आई से आई वाला ब्लॉक ब्लॉक होगा, फिर जे के बाद होगा, फिर सी से होगा। तो इधर बताया गया उनका उस साइड दीवार की। तो भाई यहाँ पे ना उनकी जो कब्र का नंबर है वो 119 है बाजिद भाई की। तो यहाँ पर जो है साफ़ सफाई जो है चलती रहती है, ये काफ़ी अच्छा है भाई। 137 आ गया, अब मैं देखता हूँ ये कौन सा आ गया, ये 118 आ गया, ये 117 आ गया, ये 119 है। तो आई थिंक ये ही दिखा है, नाम पढ़ लेते हैं। हाँ यही है, लेट वाजिद अली खान, और ये 7 अक्टूबर 1972 में जन्म हुआ और ये 1 जून 2020 में इनकी डेथ हो गई। तो ये देखिए काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं, हालांकि सफाई वगैरह चल रही है। तो ये ब्लॉक बी है,
119 नंबर। तो ये वाजिद भाई की कब्र है, दीवार के पास में साफ सफाई चल रही है यहाँ पर। भाई अभी देखी थी हमने वाजिद भाई की कब्र, अब हमें देखने एजाज खान की जो माँ है ना उनका भी दफन यहीं पर हुआ है। और यहाँ पर दो बड़े ही ये कब्रिस्तान है, एक बरसुबा और उधर सेंटा क्रूज। तो दिलीप कुमार साहब की, मोहम्मद रफ़ी साहब की, मधुबाला की, सबकी उधर उधर दफन है। और इधर जो है इरफान खान हो गए तुम्हारे की, वाजिद अली खान हो गए और एजाज खान की माँ अभी चल रहे हैं वहाँ पर। तो भाई बड़ी मुश्किलों से मेहनत करते करते हमें जो है एजाज भाई की अम्मी की जो है कब्र मिल चुकी है, वहीं पर जा रहे हैं। पहचान ये है कि उनकी कब्र पर ना घास लगी हुई है, तो ये आप घास देख सकते हो। रास्ता भी बहुत अच्छा सा बनाया हुआ है, देखो ये घास से बनाया है, क्योंकि एजाज खान अपनी माँ से कितने प्यार करते थे, सभी करते हैं, लेकिन उनका जो जुनून था वो अलग लेवल पर था। देखो स्पेशली घास बनाई थी उन्होंने और यहाँ पर घास लगी हुई है। देखो ये मरहूम जोहरा बीबी बशीर अहमद, ये इन्हें 4 साल हो गए, यानी 20 जनवरी 2018 में इनकी डेथ हुई थी। और यह है ब्लॉक ई 71 नंबर। तो ये स्पेशली इन्होंने घास लगवाई थी। देखो यहाँ पर जितनी भी कब्र है ना, कहीं भी आपको घास दिखाई नहीं देगी, ये देखो ज़्यादा घास नहीं मिलेगी। ये स्पेशली ये रास्ता आ रहा है और रास्ते पे देखो ये घास वाला रास्ता स्पेशली बनाया है एजाज भाई ने। और ये देखो ये कब्र है। तो आई होप आपने ये देख ली होगी वाली कब्र। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की हैं, अब हमें नाम तो पता नहीं है, बट ये बरसुबा है और यहाँ से आगे बिल्डिंग में जो एजाज भाई रहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इस समय तो वो जेल के अंदर हैं, आपको पता होगा। तो मुंबई में जो सेलिब्रिटी हैं वो ज़्यादातर दो कब्रिस्तान में हैं, एक सेंटा क्रूज में और एक बरसुबा में। और ये कब्रिस्तान है इधर जो है, इसी के जस्ट सामने जो है वो है, वहाँ पर शमशान घाट है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा ब्लॉग था मैंने बताया जानकारी देने के लिए, मुंबई आया था और सबके मैंने नंबर बता दिए हैं, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। और कब्रिस्तान से ज़्यादा कौन से सुकून वाली जगह होगी आपको अच्छी तरीके से पता है। तो दोस्तों चलो मैं अब इस स्टोरी को यहीं बंद करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। और ये हमारे दोस्त, इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह हाफिज़।